अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हो रहा है लोग, यार आज का हूँ एक हफ्ते में दूसरी वीडियो लेकर। आई नो कि अब मैं वीडियोस को रेगुलर तो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक वीक में दो या तीन वीडियोस तो पक्का आया करेंगे इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को। यार आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक और टूल का। हो सकता है आप में से काफी ज्यादा लोग इसे ऑलरेडी जानते हो। तो लेट वीडियोज आने की वजह यही होती है कि मैंने टूल्स को पहले टेस्ट करना होता है, उसको देखना होता है कि वो कैसे काम करता है, एंड उसके बाद ही मैं रिव्यू पर वीडियो बना पाता हूँ। तो मुझे काफी ज्यादा लोगों ने ये भी बोला है कि भाई आप प्रैक्टिकल वीडियो पर काम मत किया करो, आप जस्ट हमें टूल का बता दिया करो, हमें टूल्स ही नहीं मिलते हैं कि कहां से हम लोग टूल्स लें, आप टूल का बता दिया करें, बाकी का हम खुद देख लेंगे। तो ये वाली वीडियो में आपको मैं टूल बता रहा हूं, ठीक है, उसमें जो भी कमांड्स यूज होंगे वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यार जैसा कि हम लोगों को पता है कि हर टूल को इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ कमांड्स की जरूरत पड़ती है, तो इस टूल को भी इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ कमांड्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं टर्मक्स। अगर आप लोगों ने पहले से उसे डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर आपने नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप वहां से डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन को तो आपको बहुत ज्यादा एरर देखने को मिल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ऊपर आई के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगा दी है जहां पर मैंने बताया कि किस तरह से और कहां से आप लोग टर्मक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। अब एक और लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई कोई ऐसा टूल बताओ जो फेसबुक के लिए यूज होता हो, इंस्टाग्राम के लिए यूज होता हो, व्हाट्सएप के लिए यूज होता हो, वाईफाई के लिए यूज किया जा सके टर्मक्स में। यार देखो ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, बस आप लोगों को पता नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैंने थोड़ा सा जो है वो काम आसान कर दिया उन लोगों का। आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम टूल्स के लिंक स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, आप लोग उन तमाम वीडियोस को देख सकते हो, एंड उसमें जो भी मैंने मेथड बताया होगा वो सब कुछ 100% वर्किंग होगा, वो टूल जो है वो तमाम वर्किंग होंगे। और मजे की बात ये है कि वहां पर आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस भी मिल जाएगी। तो आज के टूल का रिव्यू शुरू करते हैं। इस टूल का नाम है फोनिक्स। आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा कि इस टूल का क्या नाम है, एंड ये टूल क्या है, किस तरह से काम करता है, उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इस टूल की इंस्टॉलेशन के बारे में कि किस तरह से इस टूल को इंस्टॉल किया जाता है। इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ कमांड्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो जितनी भी कमांड्स यहां पर यूज होने वाली है मैं आपको तमाम बताऊंगा, एंड ऐसे भी बताऊंगा इंस्टॉल करना, एंड आप लोगों को यहां पर स्क्रीन पर कहीं भी लिख भी दूंगा ताकि आप लोगों को लिखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। याद रखना ये तमाम चीजें कोडिंग में होती हैं, तो आपकी एक छोटी सी डॉट की गलती भी हमें जो है वो आगे अपना प्रोसेस नहीं चलाने देगी, तो उसमें आपको एरर फेस करना पड़ सकता है। तो जितने भी कमांड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने अच्छे से देखना है एंड अच्छे से टाइप करना है, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि जब भी गड़बड़ होती है एरर आता है, एंड आप लोग कमेंट करके बोलते हो भाई टूल वर्क नहीं कर रहा है, आपने फेक टूल बताया। तो मेरी जान कमांड्स का खास ख्याल रखना है। आपने टर्मक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है और सबसे पहले जो कमांड पुट करनी है वो है एपीटी अपडेट की। जैसे ही आप ये लिखकर एंटर करोगे तो थोड़ा सा प्रोसेस के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद जो कमांड नेक्स्ट आएगी उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, वो कमांड है एपीटी अपग्रेड की। जैसे ही आप लोग ये कमांड पुट करके इसे एंटर करोगे तो आपके पास थोड़ी देर के बाद आएगी परमिशन। तो परमिशन भी आपने सिंपली वहां पर Y और N का आपके पास ऑप्शन, दो ऑप्शन होंगे, आपने जस्ट वहां पर Y लिखकर उसे एंटर कर देना है। जैसे आप उसे एंटर करोगे तो थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपका एपीटी अपग्रेड भी हो जाएगा। याद रहे ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उतना ही ज्यादा ये जल्दी काम करेगा। हर टूल को इंस्टॉल करने के लिए कुछ पैकेजेस की जरूरत पड़ती है, एंड सेम इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए भी हमें कुछ पैकेजेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले कमांड पुट करनी है पैकेज इंस्टॉल गिट। हो सकता है ये टूल भी आपसे परमिशन ले, तो आपने सिंपली Y लिखकर इसे एंटर करना है, एंड आपका गिट का पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमारे दो पैकेज रहते हैं, एंड आपने जो नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल करना है उसके लिए आपने कमांड पुट करनी है पैकेज इंस्टॉल PHP। ये जितने भी पैकेज मैंने आपको पीछे बताए हैं वो तमाम छोटे छोटे से पैकेज हैं, जस्ट KB में इनका साइज है, एंड वो जल्दी जल्दी होते रहेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल करना है वो है wget का, तो आपने सिंपली कमांड पुट करनी है पैकेज इंस्टॉल wget। ये लिखने के बाद हमारा जो पैकेज है वो wget का भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी मेन कमांड जो कि इस टूल को रन करने के लिए यूज होती है, एंड वो चीजें मैं यहाँ पर कवर नहीं करता, आप लोगों को भी पता है, मैं जस्ट यहाँ पर कमांड आपको बताता हूँ एंड आपको टूल के बारे में एक रिव्यू देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। जो भी वर्किंग टूल मुझे मिलता है उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, आप सब लोगों को पता है, एंड आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। अगर आप लोग चाहते हो इस टूल के कमांड्स तो आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस वीडियो के आगे एक लिंक मिल जाएगा या फिर कमांड लिंक मिल जाएगा, आपने जस्ट उस लिंक पर जाना है। वहां पर जितनी भी कमांड्स मैंने अभी यूज की हैं, जितनी भी आपको बताई हैं ये तमाम, एंड जितनी भी आगे यूज होने वाली हैं वो तमाम की तमाम आपको स्टेप बाय स्टेप लिखी मिल जाएगी। आपने जस्ट वहां से कॉपी करना है, टर्मक्स में लाकर पेस्ट करना है, सिंपल सा काम है यार, आपका टूल रन हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर पहले से नहीं किया हुआ तो यार क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।